हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक इलेक्ट्रिक गीज़र है। इसमें जो फॉल्ट हुआ है वो ये है कि इसमें पानी गर्म नहीं हो रहा। अगर आपके सामने भी ऐसे फॉल्ट आते हैं तब उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और फिर इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं वो भी इसी से मैंने रिलेटेड आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी है। तो आपको क्या है, बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। इसमें क्या है, एक OLP लगा, मतलब एक ओवरलोड एयर थर्मास्टेट आप बोल सकते हैं इसे। तो एक थर्मास्टेट लगा इसमें और एक एलिमेंट लगा। किसी इलेक्ट्रिक गीज़र जो होते हैं उसमें दो थर्मास्टेट लगे होते हैं। तो इसमें जो फॉल्ट है उसमें ये है कि ये पानी बिल्कुल गर्म नहीं कर रहा है, और अगर गर्म नहीं करता है तब आप उसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मीटर लेना, अच्छी कंपनी का एक मीटर होना चाहिए। जो मीटर मतलब आपको सेलेक्ट करना है, जो कंटिन्यूटी की रेंज होती है वहाँ पर मीटर को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जब मीटर को आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों नोपों को लेना है और जो इलेक्ट्रिक गीज़र है उसमें जो एलिमेंट लगा है उसके दोनों पॉइंटों पे आपको एलिमेंट लगाना है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको क्वांटिटी की रेंज पे सेट कर लेना है। जो आप सिंबल देख रहे हैं यहाँ पर जो सिंबल बना है आपको उसी पे सेट कर लेना है, ठीक। उसके बाद सेलेक्ट करके उस पर उसके बाद आप दोनों नोब पे एक एलिमेंट पे सेट लगाएंगे एक साइड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई मतलब अलार्म नहीं बज रहा है, नहीं बीप का साउंड आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप ये मतलब ट्रेस कर सकते हैं कि हाँ, इसका एलिमेंट अंदर से फट गया है, एलिमेंट जो है उस अंदर से शॉर्ट है, इसी वजह से पानी हीट नहीं हो रहा है। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जो वायरिंग है उसको निकाल के उसके बाद आप चेकआउट करें तब प्रॉपर चेक हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप इससे ट्रेस कर सकते हैं कि हाँ, इससे चेक कर सकते हैं ये जो फॉल्ट है वो एलिमेंट का, और ये जो वायर है वायर सारे निकाल देना। इसमें क्या, एक इंडिकेटर लगा है और जो इसमें दो मतलब थर्मास्टेट लगे होते हैं उसमें दो लगे होते हैं, एक वायर इस साइड लगता है एक उस साइड लगता है। जो ब्लू वाला है ये वाला, ये इस साइड लगता है, ठीक है। बस सिंपल सी वायरिंग है और कोई ज़्यादा नहीं, बस लाइन न्यूट्रल इसमें चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलिमेंट को चेक कर सकते हैं, और एलिमेंट में निकाल के दिखाऊंगा। अगर एलिमेंट नहीं निकलता है तब आप उसको कैसे निकाल सकते हैं और इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस एलिमेंट को बाहर निकालना है। तो एलिमेंट जो है, एलिमेंट आप देख रहे हैं इस समय हमने क्या स्क्रू ओपन कर दिए, और आप इसको टामी की मदद से भी खोल सकते हैं। जो 8 mm या 10 mm की इसमें गोटी लगती है, ठीक है। उसको खोल के उसके बाद क्या कर सकते हैं, इससे जो एलिमेंट है एलिमेंट को आप प्लास से भी ईंच सकते हैं, वरना आप नो प्लास से भी ईंच सकते हैं। ये तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, एलिमेंट जो होता है अंदर से जब फट जाता है तो इसका जो एलिमेंट का जो पाइप होता है अंदर से वो मुड़ जाता है। तो आपको बहुत प्यार से निकालना है कि ऐसा ना हो एलिमेंट टूट के अंदर रह जाए। इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि एलिमेंट दूसरे डालेंगे तब हो सकता है वो टच हो, तो इस वजह से भी आपका वो भी एलिमेंट ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस एलिमेंट जो है इसको मतलब बहुत अच्छे से निकालना है, और उसका जो पानी आप देख रहे हैं पानी निकल जाएगा। और उसके बाद जब आप इसको करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको वायरिंग बिल्कुल कट कर देना। उसके बाद क्या करना है, आपको ये वायरिंग जब कट कर देंगे उसके बाद क्या है, आप जब पाइप को निकालेंगे उसके बाद पाइप अच्छे से निकालेंगे, और पाइप जो आप देख रहे हैं इस समय बिल्कुल निकल रहा है प्यार से, तो आपको इसी तरीके से निकालना। अगर पाइप नहीं निकलता उस समय आप क्या करेंगे, जो पेंचकस होगा पेंचकस को उसको डाल के तब भी निकाल सकते हैं। मतलब पेंचकस को टेढ़ा करेंगे उसके बाद क्या है, पेंचकस को डाल के निकाल सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये जो एलिमेंट है ये अंदर से फट चुका है बिल्कुल, मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये फट गया है एलिमेंट, इसी वजह से ये मतलब क्वांटिटी जब हमने सेलेक्ट की थी उस वजह से ये अलार्म नहीं बोल रहा था, ना कोई रेजिस्टेंस शो हो रही थी। तो इस कंडीशन है ये, इसी वजह से फट गया है। और ये क्यों फटता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने क्या है, एक न्यू ले लिया एलिमेंट, हमें मुझे ये लगाना है, तो ये लगाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको ये एलिमेंट जब लगा देना है उसके बाद आप देख रहे हैं जो एलिमेंट है एलिमेंट को बिल्कुल मतलब अच्छे से लगा देना है। ये नया एलिमेंट है इसको लगा देना है। प्लस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप लगाएंगे तो आपको जो रबड़ है जो सील्ड है उसको बहुत अच्छे से इसमें प्रॉपर तरीके से अटैच कर देना है, क्योंकि अगर ये अटैच नहीं होगी ठीक से तो इस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे पानी मतलब गिरेगा, पानी बहेगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इसे मतलब बैठा देना, उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से इसे लगा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, जो एलिमेंट है एलिमेंट क्यों फट जाता है, एलिमेंट क्यों ख़राब होता है। एक तो ये होता है एलिमेंट बहुत ज़्यादा वोल्टेज आते हैं तब फटने के चांसेस होते हैं। दूसरा क्या है, एलिमेंट में जब हम गीज़र ऑन करते हैं उस समय क्या होता है, अगर एलिमेंट मतलब गीज़र है, गीज़र में पानी नहीं है, जो वाटर गीज़र है इसमें पानी नहीं है, तो इस वजह से भी मतलब हमने गीज़र को ऑन कर दिया तो एलिमेंट फट जाएगा, क्योंकि अंदर पानी नहीं हुआ, पानी गर्म नहीं हुआ, तो फिर वो अंदर बहुत ज़्यादा हीट होगा, एलिमेंट इस वजह से भी फट जाता है। तो एलिमेंट के 2-3 रीज़न होते हैं, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं एलिमेंट को।
क्वांटिटी की रेंज पे सेलेक्ट करें, उसके बाद मीटर मीटर को क्वांटिटी की रेंज में सेलेक्ट करके उसके बाद एलिमेंट को चेक कर सकते हैं। प्लस जो थर्मास्टेट लगे होते हैं उसमें, उसको भी आप क्वांटिटी की रेंज में मीटर को सेट करें, उस दोनों नोब पे एक साइड लगाएं और एक साइड दूसरी लगाएं, मतलब राइट लेफ्ट दोनों लगाएं। उसके बाद क्या है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे अलार्म का साउंड होता है तो इस कंडीशन में आपका जो एलिमेंट, वो जो थर्मास्टेट है वो ठीक है और एलिमेंट भी ठीक है अगर अलार्म का साउंड आता है तब, ठीक है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। बाकी जो एलिमेंट खराब होता है या फिर ओएलपी मतलब थर्मास्टेट खराब होता है, थर्मास्टेट में भी यही दिक्कत होती है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा आते हैं या फिर वायर आपस में टच हो जाता है तब मतलब फॉल्ट हो जाता है, या फिर मतलब वोल्टेज बहुत ज़्यादा आते हैं, अगर वोल्टेज ज़्यादा आते हैं या फिर बार बार ऐसा होता है कि ये होता है कि कस्टमर कहते हैं कि हमारा जो है एलिमेंट बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब होता है या फिर थर्मास्टेट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं कि वहाँ पे स्टेबलाइज़र का यूज़ कर लें, प्लस एमसीबी बॉक्स भी होना चाहिए जैसे कि अगर कोई भी वायर जल रहा है तो एमसीबी ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप कह सकते हैं कस्टमर के यहाँ कि आप स्टेबलाइज़र का यूज़ कर लें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और ज़्यादा एलिमेंट नहीं ख़राब होंगे, ठीक है। और जब आप पानी नहीं हो तो उस समय गीज़र को ऑन नहीं करना चाहिए, पहले पानी फिलअप कर दें उसके बाद गीज़र को मतलब जो एलिमेंट है वो हीट होगा तो फिर पानी गर्म करेगा, तो गीज़र को तभी ऑन करें जब उसके अंदर पानी हो। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।